प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, करीब 5 टाइम्स का ये चीरा है। और हमने आपका MIS बेटी से ऑपरेशन किया है, थ्री फिंगर का जो है इंसिजन है। डर लगता था। आप आराम से सो पा रहे हो, आप चल भी पा रहे हो आराम से और एक्सरसाइज कर पा रहे हो। ये वाले इंसिजन में कोई भी एक भी स्टिच नहीं है, कोई स्टिच दिखा आपको? बिल्कुल स्टिचलेस टेक्निक है, कोई निकालने का झंझट नहीं, कोई वापस दर्द करने का कोई झंझट नहीं। कैसा लगा आपको ये वाला इंसिजन? अलग लगता है ना? तो थोड़ा बड़ा लग रहा है वैसे, कट तो बिल्कुल कम है, है ना? और अंदर जो है कोई भी स्टिच नहीं लगा है। तो आपका इस साइड का जो चीरा है वो बहुत बड़ा है, जो ओपन टेक्निक से हुआ है। इस साइड वाले को हम आके देखेंगे। तो ये थ्री थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, करीब 5 टाइम्स का ये चीरा है। और इसमें स्टेपलर भी आया था, आपको स्टेपल का इंसिजन भी आया था, पूरा स्टेपल था। तो आप भी इनके वाइफ है, आप इनके साथ ही रहे थे जब ऑपरेशन हुआ था, तो कैसा डिफरेंस लगा आपको उस ऑपरेशन में और इसमें? वो तो बहुत बड़ा सरप्राइज है सर, लेकिन ये पहले वाला था ना लिप साइड का, जी जी, बहुत ऐसे डर लगता था। हाँ। मतलब जो भी देखता था वो डर जाता था। उसका फोटो सेंड करते थे ना, हाँ, तो डर जाता था इतना, ऐसे क्लिप दिखते थे वो। कितना चीरा लगा? 35 स्टिचेस लगा है, एक करीब जो। अच्छा, और सर सोने की दिक्कत होती है, समझो ऐसा सोना इस पर पीछे है, उस पे सोना है तो वो टाका ही चुभ रहा है। हां तो वो चुभता है, क्योंकि सोते हैं हम ऐसे हैं। और जो हमारा जो चीरा है वो आगे की साइड है, आप आराम से सो पा रहे हो, आप चल भी पा रहे हो आराम से, सही बात है, और एक्सरसाइज कर पा रहे हो। ये वाले इंसिजन में कोई भी एक भी स्टिच नहीं है, कोई स्टिच दिखा आपको? बिल्कुल स्टिचलेस टेक्निक है, कोई निकालने का झंझट नहीं, कोई वापस दर्द करने का कोई झंझट नहीं। कैसा लगा आपको ये वाला इंसिजन? अलग लगता है ना? तो सतीश जी जो है ऑलरेडी एक साइड का करा चुके थे ऑपरेशन, और फिर बाद में पता चला कि आपको के हमारे बारे में लेट पता चला, तो इस साइड का हमने किया है। तो ये तो सिर्फ छोटी एडवांटेज है, मेन एडवांटेज तो अंदर वाला पार्ट है, मतलब इंसिजन तो छोटा है वो तो है ही है, बाकी अंदर कोई मसल्स कट नहीं करा है, कोई लिगामेंट कट नहीं करा है, आप पूरा जो इसको मोड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आराम से, कोई तकलीफ नहीं है, बैठ सकते हो, फालती मार सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो मेन एडवांटेज तो अंदर है, ये तो सेकेंडरी एडवांटेज है, क्योंकि इतना हमें कट करने की जरूरत ही नहीं है, तो जबरदस्ती हम इतना बड़ा चीरा क्यों लगाएं? बराबर है। ये पैर का उधर हुआ तो ऐसे पालती मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती अभी? नहीं, ये वाले में पालती मारने का हम टेक्निक सिखाएंगे आपको, क्योंकि इसमें इसका हमें ध्यान रख के सब कुछ करना है, क्योंकि ये ओपन टेक्निक से हुआ है तो इसमें डिसलोकेशन का रिस्क है, इसमें डिसलोकेशन का रिस्क बिल्कुल भी नहीं है।